गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बस उसका डिफिनेशन रह गया था। आज मैं आप लोगों को डिफिनेशन और एटम्स क्या होते हैं उसको भी बता दूंगा, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इट इज कॉल्ड एज एटम। ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज इट इज कॉल्ड एज एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पदार्थ के जो द्रव्य होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में मतलब उसको डिवाइड करते जाइए तो एक टाइम ऐसा आएगा जो उस पार्टिकल को हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं, तो उसको उसका नाम एटम रख दिया गया। ये महर्षि कनाद और डेमोक्रेटिस एंड पगदायाम एंड उसके साथ में ल्यूसी पास आए थे, ये सब इन्होंने ऐसे ही बताया। और उसके बाद एटम्स भी मैंने बता दिया था कि एटम्स क्या होते हैं। अब बात हो एटम्स क्या होते हैं, ये जो हमारी बॉडी होती है वो किसके बने होते हैं। 99% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स। हमारी बॉडी जो है एटम्स के बने हुए, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो भी एटम्स के बने हुए, क्योंकि जो सेल्स होते हैं ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन एटम्स के ही बने होते हैं। ये जो बाल है, बाल भी हमारे किसके बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं। हमें ज्यादातर बायोलॉजी में सेल्स ही पढ़ते हैं, सेल्स के पूरी बॉडी हमारी सेल्स की बनी है, लेकिन हम केमिस्ट्री में आप लोगों को बता रहे हैं कि जो जो बॉडी वो भी क्या है, एटम्स के ही बनी हुई है। रह गया था इसका डिफिनेशन, तो मैंने आपको डिफिनेशन लिख दिया है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और अब मॉलिक्यूल का बचा, तो मॉलिक्यूल का हम डिफिनेशन लिख देते हैं। मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन रह गया था, तो आप आज जो हम आपको मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन भी दे देते हैं। तो देखिए, टू ओ आर मोर एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन एक एटम हो गया, प्लस एक एटम और ले लेते हैं हाइड्रोजन, ये एटम और एक एटम ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल। इनके बीच में जो बंध होता हो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये डिफिनेशन हो गया आपका मॉलिक्यूल्स का, टू ओ आर मोर एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां से हमको न्यू क्लास स्टार्ट करना था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। देखिए, अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इसलिए आया कि देखा गया कि परमाणु का जो शेप है, संरचना है, कैसा है। ये साइंटिस्ट आए, एक थे डाल्टन, जॉन डाल्टन, हिंदी में लिख दे रहे हैं समझने के लिए, जॉन डाल्टन आए। ये जो है इनका जो परमाणु सिद्धांत था वो पहले द्रव्य का परमाणु सिद्धांत दिए थे, लेकिन फिर इनका नाम पड़ा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत था वो दो नियमों पर लागू तो बहुत अच्छे से हो गया, जैसे दो रूल, वो कौन सा था हम आपको बता दे रहे हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, और दूसरा रूल जो था वो था लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दोनों रूल जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर तो सफलतापूर्वक लागू हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी था जो उनके सिद्धांत में कुछ कमियां थी, जो उन कुछ प्रयोगों को वो वर्णित मतलब डिफाइंड नहीं कर पाया। वो डिफाइंड क्यों नहीं कर पाया, क्या डिफाइंड नहीं कर पाया वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था एबोनाइट लिए थे, जब इसको और एक और लेते हैं लेड मतलब कांच, इसको ले लेते हैं, जब इसको रेशम के या फिर फर पर हम रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो होते हैं आवेशित हो जाते हैं, उसमें चार्ज उत्पन्न होता है, इसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो उससे ये मालूम पड़ा कि मतलब जो परमाणु है वो अपरमाणविक अणु से मतलब कण है, तो ये इनका जो सिद्धांत था यहां पर गलत हो गया, ये सिद्धांत इनका यहां पर गलत हो गया। उसके बाद आए एक साइंटिस्ट जे थॉमसन। देखिए, ये डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत तो वहां पर गलत हो गया। अब लोग पूछेंगे कि एबोनाइट क्या होता है, तो एबोनाइट एक रबड़ होता है, जो प्लांट होते रबड़ का प्लांट होता है, जब उसको काटते हैं तो उसमें से कुछ मिल्क मतलब दूध निकलता है, उस दूध का जो नाम होता है उसको लेटेक्स बोलते हैं, जब उसको गर्म किया जाता है तो वो रबड़ उसको बनाया जाता है, तो एबोनाइट वो हो जाता है। अब ये इनका तो गलत हो गया। उसके बाद आए इनका जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। मैंने भी बताया जो इन्होंने क्या किया कि जो परमाणु होते हैं उनको लिया और बताया कि इसका कंपैरिजन किससे कर दिया, वाटरमेलन से, जैसे प्लम पुडिंग हो गया, इस वाले पोर्शन को उन्हें क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स मान लिया, और जो सीड होते हैं इसको मान लिया सीड मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसको मान लिया और इस जो पुडिंग है उसको सीड मान लिया। जैसे वाटर मिलोन लीजिए, वाटर जैसे तरबूज हो गया, इस रेड वाले कलर को पूरा क्या उन्होंने माना पॉजिटिव, और जो सीड होते हैं, जो सीड उसमें धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड हैं जो सीड